सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 19 मई सन 2021 इन हिंदी। आपको पता है हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान को शुरू किया है? पंजाब राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य गांवों में फैल रहे कोरोना वायरस को रोकना है। इस अभियान के तहत कोविड फतेह प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है और इस प्रोग्राम के तहत गाँवों में न केवल कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाना है बल्कि वैक्सीनेशन टेस्टिंग आदि को बढ़ावा देना भी है। टॉप 10 अभियान के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। उत्तराखंड की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की मदद के लिए मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए संस अभियान को भी शुरू किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की सरकार ने स्वच्छ दिल्ली अभियान को शुरू किया है। पल्स पोलियो अभियान 2021 को रामनाथ कोविंद ने शुरू किया है। सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। नो यूर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को ओम बिरला ने शुरू किया है। गुजरात राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है। नो मास्क नो मूवमेंट अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए मेरी सुरक्षा मेरा अभियान को शुरू किया है? मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। UEFA वीमेंस चैंपियंस लीग 2020-21 किस फुटबॉल टीम ने जीती है? बार्सिलोना ने ये चैंपियंस लीग जीता है, भी आपका आंसर हो जाएगा। UEFA वीमेंस चैंपियंस लीग यूरोप की टॉप कंपटीशन लीग है। फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA वीमेंस चैंपियंस लीग 2020-21 में बार्सिलोना ने चेल्सी टीम को हराकर यह खिताब जीता है। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पेनपा तसेरिंग इसके प्रधानमंत्री बने हैं, भी आपका आंसर हो जाएगा। पेनपा तसेरिंग लोबसांग सांगये की जगह लेंगे। 2021 में निर्वासित तिब्बत सरकार की 17वीं चुनी हुई संसद है। तिब्बत चीन का एक ऑटोनोमस क्षेत्र है। तिब्बत की राजधानी लहासा है। करंसी चाइनीज युआन भारतीय रुपया है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार तिब्बत है। सबसे ऊंचा नगर वेंचुआन तिब्बत है। किस देश को दुनिया का छत कहा जाता है? तिब्बत को कहा जाता है। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। कौन सी नदी तिब्बत पाकिस्तान और भारत से होकर बहती है? सिंधु नदी यहाँ से होकर बहती है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ये 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, सी आपका आंसर हो जाएगा। उद्देश्य, इस दिवस का उद्देश्य समाज में संग्रहालय संस्कृति का आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ सहयोग और जन सामान्य में संग्रहालयों के प्रति जन जागृति फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 की थीम है संग्रहालय का भविष्य पुनर्कल्पना और संरक्षण है। अप्रैल महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को, जिसका थीम है कार्यस्थल में शामिल करना, महामारी के बाद की दुनिया में चुनौतियों और अवसर। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को, थीम है दी म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को, थीम है दृढ़ता भागीदारी प्रगति है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोडमैप है। विश्व पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ इसकी थीम है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? खुशाल कौशिक को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, डी आपका आंसर हो जाएगा। खुशाल कौशिक लिसी एंथस टैंक के संस्थापक हैं। खुशाल कौशिक का यह पुरस्कार वैश्विक साइबर सुरक्षा पर उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2020 से डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया है। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुईस ग्लूक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने हाल ही में सेमोर्ग नाम से अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? ईरान ने इस नाम से अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जो डेटा को बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर सकता है। सुपर कंप्यूटर में हज़ारों प्रोसेसर होते हैं जो प्रति सेकंड अरबों और खरबों की गणना कर सकते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। इस सुपर कंप्यूटर का नाम फिनिक्स जैसे पक्षी के नाम पर रखा गया है, जिसे सिमोर्ग कहा जाता है। सिमोर्ग का सुपर कंप्यूटर ईरान की राजधानी तेहरान में अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग इमेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्कलोड, ट्रैफिक और मौसम डेटा और स्थानीय निजी फर्मों को क्लाउड होस्टिंग के लिए किया जाएगा। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी तेहरान है। ईरान की करेंसी तोमान रियाल किरान है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। चाबहार बंदरगाह कहाँ से तथा ईरान में। ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करुण नदी है। ईरान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उर्मिया झील सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? 17 मई को ये मनाया गया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। यदि ये 140/90 या उससे ऊपर ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में उच्च रक्तचाप कहा जाता है। मोटापा, अव्यवस्थित दिनचर्या, जेनेटिक कारणों से भी लोगों में उच्च रक्तचाप की समस्या होती है और इसी समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2021 की थीम है मीश्योर योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल एट लिव लॉन्गर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्किम हिस्ट्री ऑफ इंटरव्यू एंड अलायंस पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है प्रीत मोहन सिंह मलिक ने, भी आपका आंसर हो जाएगा। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी पुस्तक दीप हाल्डर ने लिखी है। द बेंच पुस्तक मेगन मार्कल ने लिखी है। अनोदर डजन स्टोरीज पुस्तक सत्यजीत रे ने लिखी है। द लिविंग माउंटेन पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा। हाउ इंडिया वोट्स एंड वाट इट मीन्स पुस्तक प्रदीप गुप्ता ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन का मार्स रोवर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा है, इस मार्स रोवर का क्या नाम है? झुरोंग इसका नाम है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चीन ने 15 मई 2021 को लाल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग उतारने की उपलब्धि सफलतापूर्वक हासिल की है और चीन ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। अभी तक सिर्फ अमेरिका ही मंगल पर अपने रोवर को सफलतापूर्वक उतार सका है। मार्स मंगल ग्रह को मार्स भी कहते हैं और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स या निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड फोरिक ऑक्साइड पाया जाता है। भारत का मंगल मिशन का नाम क्या है? मोम, मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल ग्रह के मिशन का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2021 में किस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये राफेल नडाल ने जीता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्पेन के राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में हराकर पुरुष एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेटफ्रेड ब्रिटिश मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है रिचर्ड ब्लेंड ने।
भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18 मई 2021 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है? द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड रिमेजन के साथ ये मनाया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कोविड फतेह अभियान शुरू किया है? पंजाब की राज्य सरकार ने शुरू किया है, डी आपका आंसर हो जाएगा। पंजाब से संबंधित लेटेस्ट करंट अफेयर्स हम आपको यहाँ पर बता देते हैं फ्रेंड्स। कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए अभिनेता सोनू सूद ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकॉन बनाया गया है। हर घर पानी हर घर सप्लाई मिशन लॉन्च किया गया है। महिलाओं के लिए राज्य की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। विनी महाजन राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव 2020 बनाई गई। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है। 2020 में सीएम अमरिंदर सिंह को आदर्श मुख्यमंत्री पुरस्कार दिया गया है। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। जिला 23 है, 23वां जिला मलेरकोटला बना है। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कप्तान अमरिंदर सिंह है। राज्यपाल वीपी सिंह बांडोर हैं। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 117 है। लोक नृत्य गिद्दा किकली डप तथा भांगड़ा हैं। अभ्यारण्य वीर गुरदयालपुरा वन्यजीव अभ्यारण्य, झाझर बंचौली अभ्यारण्य, कठलौर कुशियान अभ्यारण्य, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान टखनी रेहमपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध बांध रंजीत सागर बांध तथा शाहपुर कांडी बांध रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृतसर से 6 बार सांसद और भारत के पूर्व विदेश राज्य मंत्री रहे किस वरिष्ठ कांग्रेस नेता का हाल ही में निधन हो गया? रघुनंदन लाल भाटिया का यहाँ पर निधन हो चुका है, सी आपका आंसर हो जाएगा। रघुनंदन भाटिया ने 2004 से 2008 तक केरल के राज्यपाल, 2008 से 9 तक बिहार के राज्यपाल और 1992 में भारत के विदेश राज्य मंत्री के तौर पर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मोमा मार्केट ऐप लॉन्च किया है? मणिपुर राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मोमा मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी के फुल फॉर्म में। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। जिला 16 है, राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु संघाई हिरण है। राजकीय पक्षी मिसेस हुमेश। राजकीय वृक्ष तून का है। राजकीय फूल सरोय कुमुदनी है। लोक नृत्य पोंग चोलम राखत राखाल महारास खम्बा थोड़बी तथा नटरास यहाँ के लोक नृत्य। जनजाति मैठी या मैठी तथा अंगामी यहाँ की जनजाति है। राष्ट्र उद्यान केईबुल या कीबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान यहाँ पर स्थित है। आधिकारिक भाषा मिटेई अथवा मणिपुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सतोशी उचिदा यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, बी आपका आंसर हो जाए। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया की स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम में है। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की स्थापना 1 अक्टूबर 1909 में हुई थी। मुख्यालय हमामात्सु सिजुओका जापान में। संस्थापक मिचियो सुजुकी है। सीईओ ओसामू सुजुकी। प्रेसिडेंट तोशिहिरो सुजुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस खिलाड़ी को हाल ही में मरणोपरांत नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? कोबे ब्रायंट को यहां पर शामिल किया गया है, डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को यहाँ पर विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1986 में विश्व हरित क्रांति के जनक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार के तहत 250,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? मार्टिन ग्रिप्स को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति हैं। सदस्य देश 193। आधिकारिक भाषा अरबी चाइनीज रशियन फ्रेंच स्पेनिश तथा अंग्रेजी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश ने ये घोषणा की है, बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान लॉन्च किया है पशुओं के लिए, भारत का पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है, सकौच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार YS जगनमोहन रेड्डी को दिया गया, BPL परिवारों के लिए YSR बीमा योजना का शुभारंभ किया, 2020 में जारी इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश टॉप है, दक्षिण भारत की पहली किसान ट्रेन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक चली है, YSR संपूर्ण पोषण योजना शुरू हो चुकी है, भारत का पहला दिशा नामक महिला पुलिस थाना राजमुद्री बना है, देश का पहला फन गेमिंग जोन रेलवे स्टेशन विशाखापट्टनम में है, निंगहा ऐप लॉन्च किया गया है, कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया गया, ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध है, जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू हो चुकी है, YSR अम्मा बोडी योजना शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस संगठन ने हाल ही में एंटो कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च किया है? DRDO ने इसको लॉन्च किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस दवा को DRDO के प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज ने हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ मिलकर तैयार किया है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म स्थापना 1958 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली है, चेयरमैन जी सतीश रेड्डी है, मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश ने निजी स्कूलों में कक्षा 9 तक विदेशी पाठ्यक्रम और विदेशी स्वामित्व पर रोक लगा दी है? चीन पर यहाँ पर रोक लगा दी है, भी आपका आंसर हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी चिनफिंग है, प्रधानमंत्री ली केकियांग है, संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, मुद्रा रेनमिन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर के गुजरता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, ये आपका यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा। चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में लॉन्च सिक्किम के इतिहास पर आधारित पुस्तक सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस के लेखक कौन है? प्रीत मोहन सिंह मलिक इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरुष एकल वर्ग में टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। 17 से 23 मई के बीच मनाए जा रहे 6वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह का विषय क्या है? सिट्रीट्स फॉर लाइफ है। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने इस योजना को शुरू किया है। निम्न में से किसने करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार की घोषणा की है? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने ये घोषणा की है। 2021 के लिए किस भारतीय को विहिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया? नुकलू फॉर्म को किया गया। हाल ही में सुर्खियों में रहे तोकाते या ताऊते क्या है? चक्रवाती तूफान है जो हाल ही में हरियाणा में आने वाला है। इस तूफान ने केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र में भारी तबाही मचाई है। दुनिया भर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना सामाजिक दिवस भी मनाया जाता है। मंगल ग्रह पर रोवर को उतारने वाला विश्व का दूसरा देश चीन बन चुका है। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? गुंजन शाह नियुक्त हुए हैं। विज्ञान के क्षेत्र में किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? MS नरसिम्हन थे। 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? एंड्रिया मेजा मैक्सिको की लड़की ने इस खिताब को जीता है। हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया है? 16 मई को मनाया गया है। 16 मई को मनाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। विश्व कृषि पर्यटन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये सभी 16 मई को मनाए जाते हैं। भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। अमेरिका के मैनहट्टन में आयोजित बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की ऊंची कूद में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तेजस्वी शंकर ने स्वर्ण पदक जीता है। किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? रमेश पोखरियाल निशंक को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ GK की तरफ। गाइट नामक रोग शरीर में किसके कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक एसिड है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्त दाब कितना होता है? 80 mm पारे
के बराबर होता है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का होता है। क्लोमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, जिसका सूत्र होता है Hg2Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। झूठा सोना कहलाता है। प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पाइराइट्स कहलाता है। पेंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आंतों में प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। चलते हैं 19 मई के इतिहास की तरफ, टुडे हिस्टोरिकल इवेंट्स। 19 मई का इतिहास क्या हुआ था? 19 मई के इतिहास में फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं देव सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स की तरफ से ये करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो 19 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। मिगुएल लोपेज डी जगाजप्पी ने 1571 में फिलीपींस की राजधानी मनीला की स्थापना की थी। रूसी सेना 1792 को पोलैंड में दाखिल हुई थी। आज के दिन दुनिया का पहला डिपार्टमेंटल स्टोर 1848 में खुला था। बहुचर्चित नाटककार और कवि आस्कर वाइल्ड जेल से 1892 में रिहा किए गए थे। आज के दिन दुनिया की उस समय की सबसे बड़ी रेल सुरंग 1900 में सिंपलन यात्रियों के लिए खुली थी। बेनितो मुसोलिनी ने 1926 में इटली को फासीवादी राष्ट्र घोषित किया था। श्वेत महिलाओं को 1930 में दक्षिण अफ्रीका में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। रूस और ब्रिटेन ने 1939 को नाजी विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रूस ने 1971 में मार्स 2 कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ऑस्ट्रेलिया ने 1976 में सोने के स्वामित्व को कानूनी मान्यता दी थी। भारतीय मूल के महेंद्र चौधरी 1999 में फिजी के प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी। मैकिस्कोम 1999 में बालकान डिफ्यूजो नामक ज्वालामुखी सक्रिय हुआ था। फिजी में 2000 को भारतीय मूल के प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी की सरकार को 7 नकाबपोश सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा तख्ता पलट कर दिया था। अमेरिकी सीनेट में 2007 में समग्र आवर्जन सुधार विधेयक पर सहमति जताई थी। 19 मई को जन्मे व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण काम किए, उसी वजह से महान बने। आइए आगे जानते हैं किन महान व्यक्तियों ने आज के दिन यानी 19 मई को इस धरती पर अपना पहला कदम रखा। अत्याधुनिक तुर्की के निर्माता कमाल अतातुर्क का जन्म 1881 में आज के दिन हुआ था। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की हत्या कर भारतीय इतिहास के पन्नों में एक काला अध्याय जोड़ने वाले नाथुराम गोडसे का जन्म 1910 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 1913 में आज ही के दिन हुआ था। रस्किन बॉन्ड का जन्म 1934 में हुआ। वो अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखकों में से एक हैं। कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता। ग्रीस कर्नाड का जन्म 1938 में आज ही के दिन हुआ। 19 मई को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आइए आगे जानते हैं आज के दिन यानी 19 मई के दिन किन लोगों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का निधन 1904 में आज ही के दिन हुआ। हिंदी के शीर्ष साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन 1979 में आज ही के दिन हुआ। प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री तथा तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्यमंत्री जानकी रामचंद्र का निधन 1996 में हुआ। फिल्म और रंगमंच अभिनेता, निर्देशक और नाटककार शोम्भू मित्रा का निधन 1997 में आज ही के दिन हुआ। भारतीय नाटककार और रंगमंच कर्मी विजय तेंदुलकर का निधन 2008 में आज ही के दिन हुआ। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।